Hey guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. And आज का जो वीडियो है ये थोड़ा स्पेशल होने वाला है because ये मेरे छोटे से प्यारे से रूम का रूम टूर होने वाला है. So मुझे आइडिया आया एंड मैंने इंस्टाग्राम पर एक पोल किया था जहाँ पर यू नो काफी सारे लोगों ने वोट किया. आई थिंक अराउंड 94% लोगों ने कि मुझे एक रूम टूर करना चाहिए. So here I am making this video for you all and you know ये कोई बहुत ज़्यादा फैंसी रूम डेकोर नहीं है. यहाँ बहुत छोटे छोटे आइडियाज़ हैं जो मैं शेयर करने वाली हूँ. आप लोग इजीली अपने रूम में यू नो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अगर आपको अच्छे लगते हैं वो आइडियाज़ देर इजी DIYs या पेंटिंग्स हैं. सो बीइंग एन आर्टिस्ट मेरे रूम में आपको काफ़ी सारे पेंटिंग्स नजर आएंगे यू नो अलग अलग जगहों पर अलग अलग साइजेस के. एंड इफ़ यू लाइक देम एंड इफ यू वॉन्ट टू बाय देम यू नो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम या यूट्यूब में कॉमेंट कर सकते हैं. ओके सो लेट्स स्टार्ट द वेरी 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 pretty room tour and let's get started. So this is basically the entrance of my room. मैं आपको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाती हूँ. So this is the first aesthetic painting जो मैंने यहाँ लगाई हुई है एंड ये मैंने अपने हाथों से बनाई है. तो इस रूम में आपको काफ़ी सारी ऐसी आर्टिस्टिक चीज़ें दिखती रहेंगी. उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ये एक पूरा ऐसे 5 pictures का फ्रेम है जो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था. एंड उसमें यू नो हमारे मेरे पापा मम्मी के साथ उसके साथ एंड यू नो हमारे पूरे कॉलेज ग्रुप का फोटोग्राफ लगा हुआ है एंड बीच में मेरा फोटो है. सो यार दिस इज़ द फ्रेम एंड उसके बाद ये गणेश जी की ऐसे फ्रेम लगी हुई है. ब्रिंगिंग यू गाइस टू द सर्टिफिकेट जो कि मुझे अभी अभी मिला है रिसेंटली वॉलमार्ट में प्रोडक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग कम्प्लीट करने पर. सो आई पुट अप दिस ऑन माई वॉल एंड दिस इज़ यू नो हाउ दिस कम्प्लीट वॉल लुक्स लाइक. राइट आफ्टर दिस वॉल यहाँ पर मेरी पूरी वर्क डेस्क है. सो बेसिकली ये विंडो है एंड यू नो उसके सामने बैठकर मैं ऐसे काम करती हूँ. सो यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ ये मेरी चेयर है एंड यू नो इस पर बैठकर मैं काम करती हूँ. दिस इज़ वेरी वेरी कम्फर्टेबल सिंस आई एम डूइंग वर्क फ्रॉम होम फ्रॉम पास्ट यू नो 1 year ऑलमोस्ट. तो ये चेयर काफ़ी कम्फर्टेबल है मेरे लिए. उसके बाद में यहाँ पर ये मेरी छोटी सी वर्क डेस्क है जिस पर ये मेरा कंपनी का लैपटॉप है एंड ये वाला मेरा अपना पर्सनल डेल का लैपटॉप है. उसके बाद में यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ सैनिटाइज़र है, ये छोटा सा एक गमले जैसा कुछ है जो मैंने सरोजनी से लिया था. आई थिंक 30 rupees के 2 मिले थे. सो ये 15 rupees का है. एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसमें ना मेरी कंपनी से एक बार काफ़ी सारे चॉकलेट्स एंड ऐसे सब आए थे तो उसी को मैंने रीयूज़ करके यू नो इसमें अपना ये पेन स्टैंड बना दिया है. दिस इज़ अगेन यू नो ऑल माई क्राफ्ट मटीरियल्स एंड देन देयर इज़ अनदर वन. सो दिस इज़ वन दैट आई हैव क्रिएटेड एट होम. सो दिस इज़ अ DIY. ये वाला मैंने डीमार्ट से लिया था आई गेस 30 rupees में. एंड देन ये क्यूट सा मुझे गिफ्ट में मिला था. ये मेरी हैंड पेंटेड बॉटल है जो मैंने एक वीडियो डाला हुआ है इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर. This is a candle. This is toothpick. Very very important. And you know, nothing but that. So yeah, this is about my work table. And you know, this is how it looks. And the view is great from here. So काम करने में मन लग जाता है. Okay, table के नीचे भी कुछ इस तरीके से you know ये सारे compartments बने हुए हैं. तो यहाँ पर मैंने अपनी diaries, art books, all the novels I read वो सब मैंने arrange किया हुआ है. एंड यहाँ पे मेरे लैपटॉप के चार्जर्स रखे रहते हैं नीचे ताकि रूम में फैले ना रहे. आफ्टर दिस ब्यूटिफुल विंडो इन माई वर्क डेस्क यहाँ पे साइड में उसके एक छोटा सा टेबल है जिस पर मैंने ये एक फ्लावर वास रखा हुआ है. तो फ्लावर्स तो मैंने बाहर से खरीदे हैं बट ये जो बॉटल है ये ग्लास बॉटल पर मैंने खुद पेंटिंग की है. उसके बाद ये मेरा मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर का क्यूट सा पेंटिंग है. आप भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं यू नो मेरे इंस्टाग्राम पेज के थ्रू. एंड उसके बाद ये सेंटेड कैंडल है जो मैंने डीमार्ट से लिया था. एंड ये लैम्प है जो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बर्थडे पे गिफ्ट दिया था आई गेस. सो या दैट इज़ इट. एंड ये जो कोस्टर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये मैंने अपने हाथों से बनाया है यूजिंग अ जूट थ्रेड. तो अगर आप लोगों को सीखना है तो डू लेट मी नो इन कॉमेंट्स एंड यू नो आई पुट अ वीडियो ऑन यूट्यूब फॉर दैट. इसमें मैं क्या रखती हूँ, सो इसमें काफ़ी फैला हुआ है अभी सो डोंट जज. बट ये पूरा मेरे आर्टिस्टिक सामान से भरा हुआ है ऑलमोस्ट यू नो सारे क्लिप्स हो गए यू नो वट एवर एस्थेटिक्स जो मैं अपनी वीडियो में यूज़ करती हूँ एंड कुछ पेपर्स कोस्टर्स एवरीथिंग इज़ हियर. सो या दैट इज़ अबाउट दिस साइड टेबल. साइड टेबल के बाद मेरी सबसे प्यारी जगह जो कि मेरा बेड है
और कुछ इस तरीके से मेरा सिंगल बेड है क्योंकि मेरी बहन तो बैंगलोर में रहती है तो मैं अकेले हूँ इस रूम में। एंड ये मेरा क्यूट सा टेडी है, प्यारू सा टेडी है ये मेरा क्यूटी। उसके बाद यहाँ मेरा पिलो है, मेरे ब्लू वॉल्स है मैचिंग मेरी ब्लू बेडशीट। एंड ये है मक्रेम का क्या बोलते हैं यार इसको, कुशन कवर है जो मैंने मीशो से ख़रीदा है। मुझे इसकी प्राइस बिल्कुल भी याद नहीं है पर मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ ऊपर डाल दूँगी एक बार चेक करके। और ये प्यारी सी लाइट मैंने लगाई हुई है, ये मुझे ऐसी लाइट्स बहुत पसंद है तो आपको मेरी रूम में ऐसे काफ़ी सारी जगह देखने मिलती रहेगी। और ये है मेरा बेड और ये है लुक यहाँ से। इसके बाद में है यहाँ पर ये जो दीवार के सेंटर में बेड के एकदम ऊपर लगी हुई है, ये भी हैंडमेड है। तो अगर आपको इसकी भी वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब, ठीक है। तो आई विल शेयर अ वीडियो ऑफ दिस DIY एंड ये बहुत ही प्यारा लगता है। ऑल्सो दिस इज लाइक एन ईविल आई प्रोटेक्शन। इसके बाद यहाँ पे एक और वैसा ही सेम साइड टेबल है जैसा हमने वहाँ देखा था एंड अगेन उस पर मैंने बॉटल रखा है। ये मैंने कोई सुपर 99 स्टोर था पुणे में एक मॉल में वहाँ से लिया था यस एंड इसमें मैंने ये LED लाइट कोई तो लाइट है जो मैंने इसमें डाल दी है एंड ये बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। तो मैं शाम के टाइम में अक्सर इसको ऑन कर लेती हूँ। एंड देन गणेश जी का कैनवस पेंटिंग है जो मैंने खुद बनाया है एंड सेंटेड कैंडल अगेन फ्रॉम डीमार्ट। उसके बाद में ये जो है ये मैंने किसी तो लोकल मार्केट से लिया था एंड ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बोहो एस्थेटिक पता नहीं कौन सी में से एक तो वाइब्स दे देता है तो मैंने इसको ख़रीदा था। एंड ये जो कोस्टर आपको दिख रहा है ना ये तो हैंडमेड है, ये मैंने मक्रेम से कार्डबोर्ड बेस पे बनाया है। तो अगेन गाइस अगर आप ये सारे DIYs देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। इसके अंदर क्या है तो अगेन इसके अंदर मेरा सारा आर्ट का सामान है, ये तो बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है बट आप लोग एक बार देख लीजिए। तो ये मेरे सारे पेंटिंग्स पड़े हुए नीचे, ये मेरे सारे कलर्स हैं, कलर्स के ऊपर मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। तो जो भी लोग पेंटिंग वगैरह बनाते हैं उनके लिए कहाँ से मैं सामान खरीदती हूँ क्या क्या कलर्स यूज़ करती हूँ आप मेरा वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, ऊपर लिंक आ रहा होगा। और टेबल के बाद है यहाँ पे मेरा ये ड्रेसिंग टेबल राइट। तो मैं ड्रेसिंग टेबल है जो कि मैं आपको दिखाती हूँ, ऊपर आपको एक पेंटिंग दिख रही होगी वो मेरी हैंडमेड पेंटिंग है। एंड उसके बाद यहाँ पे ये सारा सामान है तो बेसिकली जो भी डेली में मैं यूज़ करती हूँ माय कॉम्ब, ऑलिव ऑयल, सीरम, बॉडी लोशन एंड डिओड्रेंट यहाँ पे आपको एसी दिखेगा। एंड दिस इज़ वन मोर विंडो, तो आइए हम इसके कर्टन्स भी हटा लेते हैं एंड यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है। तो ये मेरे बेड की जस्ट इस तरीके से साइड में है दोनों विंडोज, एक इस साइड है एंड एक जो है वो इस साइड है, ठीक है। ये है मेरे कवर्ड्स लेकिन मैं आपको इसके अंदर का अभी नहीं दिखा सकती क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गंदी हालत में होंगे, सारे कपड़े से फैले हुए हैं। तो अभी के लिए आप इसे ऐसे बंद ही देख लीजिए फिर। सो दैट इज इट कबर्ड से। अब हम थोड़ा सा लेफ्ट 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 और ये आ गया मेरा फेवरेट स्पेस। सो ये आपने मेरे इंस्टाग्राम पेज पर अगर देखा है तो ये देखा होगा, ये मैंने खुद से अपने लिए ही बना लिया है एंड ये बहुत प्यारा लगता है मुझे। आप भी ऐसा ऑर्डर कर सकते हैं अपने लिए या किसी के भी लिए, आपके फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं। एंड ये जो है ये है इसको क्या बोलते हैं मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है बट ये कुछ तो है जो मैंने अमेजोन से लिया है कुछ 600 रुपीज़ में एंड उस पर मैंने क्यूट क्यूट पेंटिंग्स फोटोज़ आप भी इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। सारे पेंटिंग्स मेरे आपको अगर ख़रीदने हैं तो आप इंस्टाग्राम से ख़रीद सकते हैं। ऑल्सो ये किचन है जो मैंने रिसेंटली बनाया है और ये हैंडमेड है और आप भी ऐसे फ़ोटोज़ के किचन्स बनवा सकते हो। ये ड्रीम कैचर है जो मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट दिया था एंड मैंने सुना है कि ड्रीम कैचर अगर लोग गिफ्ट देते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। सो या एंड यहाँ पे ये एक आर्टिफिशियल प्लांट है जिसमें मैंने ऐसे लाइट लगाई हुई है एंड ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। उसके साइड में ये मेरी और मेरी बहन की ऐसे चार फोटोज़ की मैंने पेंटिंग बनाई हुई है। उसके बाद एक छोटा सा प्लांट है जो मैंने सरोजनी नगर से लिया था आई गेस 15 रुपये में, ये मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया था IMK के। एंड ये मैंने ईविल आई बनाया हुआ, ईविल आई प्रोटेक्शन अगेन CD पेंटिंग। एंड या दिस इज अ लैम्प जो मैंने कोलाबा कॉजवे बॉम्बे से ख़रीदा था
पता नहीं 180 में शायद ऐसे कुछ तो था, इसका प्राइस मुझे याद नहीं है। इसके बाद ये है एक छोटू सा टेबल ही, तो कुछ इस तरीके से ये पूरा लगता है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कॉर्नर है ये। एंड ये जो एरिया है ये पूरा फैला हुआ है, यहाँ पे मेरे पेंटिंग का ही सामान है। एंड यहाँ पर भी काफ़ी सारा पेंटिंग का सामान है, एक रूम फ्रेशनर रखा हुआ है। सो या दिस इज़ अबाउट दिस कॉर्नर एंड यू नो आई रियली लव दिस पार्ट ऑफ माय रूम। मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ। उसके बाद में हम चलते हैं इधर, तो यहाँ पर ये एक छोटा सा ऐसे रैक बना हुआ है, इसमें छोटा सा वायलिन है, नहीं वायलिन नहीं है, ये क्या है, कुलेले ये सिर्फ शो पर्पज़ के लिए, मुझे बजाना नहीं आता, मैंने कुछ 200 रुपये में ऐसे ही बस रूम डेकोर टाइप्स ख़रीदा था। और उसके बाद ये बुद्धा की 6x6 inches की पेंटिंग है जो मैंने खुद बनाई है, साई बाबा माई लव। एंड उसके बाद में इन्हों ये कान्हा जी की पेंटिंग है, ये शिनचैन है और ये बहुत क्यूट है, ये देखिए आप ये कैसे आवाज़ करता है। उसके बाद में बटरफ्लाई पेंटिंग है, या दिस इज़ हाउ इट लुक्स, सो दिस इज़ द होल वाइब। एंड उसके बाद यहाँ पे एक स्टूल है लास्ट में जिसपे मैंने पेंटिंग ऐसे रखी हुई है। सो या दिस इज़ द कम्प्लीट लुक ऑफ माई रूम। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आपको मेरा रूम कैसा लगा, एंड यू नो इवन इफ यू प्लान टू यूज़ सम ऑफ दिस आइडियाज़।